हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर 11, सुनीता इन स्पेस। तो इसमें हमें पूरा बताया गया है कि जो सुनीता विलियम्स थी, मतलब हैं, वो कब स्पेस में गई थी, कितना टाइम उन्होंने वहाँ स्पेंड किया था, स्पेस में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं। फिर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसमें क्या है, देखिए अर्थ जो है, जब हम लोग अगर अर्थ बनाएं तो हम एक गोल सर्कल जैसा, बॉल जैसा कुछ बना देते हैं, मगर ग्लोब कैसा है, ग्लोब तो हमें ऐसा, मतलब गोल सा और ऊपर और नीचे से चपटा सा दिखता है, बीच में से फैला हुआ सा दिखता है, इस टाइप का। देखिए मैं आपको उससे ब्रश से बना के दिखाती हूँ, ये देखिए, ऐसे करके ऐसे करके इस तरीके से हमारा ग्लोब दिखता है, और इसी शेप की हमारी जो है अर्थ भी होती है, ऊपर साइड से और यहाँ से थोड़ी चपटी सी होती है और बीच में से थोड़ी ऐसी फैली फैली सी होती है। तो ये हमारे अर्थ की शेप होती है। अब दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उजायरा और शमीर, जो है ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। तो उजायरा बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स विजिट कर रही है। देखिए विजिट करने का मतलब होता है आना, तुम्हें टुमारो का मतलब होता है आने वाला, जो कल आएगा। तो टुमारो, ये उजायरा कहती है कि हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं, और मैंने सुना है कि सुनीता विलियम्स ने 6 महीने जो है स्पेस में बिताए हैं। तो शमशीर बोलता है ग्लोब की तरफ देखते हुए कि यहाँ देखो अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, मगर यहाँ पर स्पेस कहाँ है। तो उजायरा बोलती है, द स्काई, स्टार, सन एंड मून, ये सारे के सारे जो हैं यही तो स्पेस होते हैं। फिर शमशीर बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, सुनीता विलियम्स गई थी स्पेसशिप में, मतलब मैंने टीवी पे देखा था कि जो है स्पेसशिप में बैठ करके सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, और स्पेस से अर्थ कैसी दिखती है वो भी टीवी पर दिखाया गया था। तो जायरा बोलती है, यस, अर्थ जो है अगर हम स्पेस से देखें तो वो इस ग्लोब की तरह ही दिखाई पड़ती है। फिर शमशीर बोलता है, अगर जो अर्थ है वो ग्लोब की तरह दिखाई पड़ती है और ऐसी है तो हम लोग उस पर कहाँ हैं। उजायरा एक पेन लेती है और वो प्लेस कर देती है कि इस जगह हैं हम, यहाँ पर ग्लोब पर। फिर उजायरा बोलती है, यहाँ पर हैं हम, दिस इज़ इंडिया, ये इंडिया है ग्लोब में और यहाँ पर हम हैं। शमशीर बोलता है, अगर हम इस तरीके से हैं अर्थ के ऊपर तो हम लोग फॉल क्यों नहीं हो जाते, फॉल ऑफ मतलब हम लोग गिर क्यों नहीं जाते। और मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक दैट वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, हम लोग जो हैं ग्लोब के इनसाइड होंगे, अंदर होंगे, शमशीर बोलता है। उजायरा फिर बोलती है, ये देखिए इस तरीके से बच्चे मार्क कर रहे हैं, है ना। तो जायरा बोलती है, अगर हम अंदर होते ग्लोब के, इनसाइड होते, तो हम लोगों को स्काई कैसे दिखाई पड़ता, सन मून स्टार ये सब कैसे दिखाई पड़ते। हम लोग जो हैं वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम ग्लोब के ऊपर होंगे, मतलब अर्थ के ऊपर होंगे, और सारे के सारे जो सी हैं, समुद्र हैं, ओशंस, नदियाँ वगैरह हैं, सारी की सारी, ओशंस हो गया समुद्र, है ना, ये सारे के सारे जो हैं ग्लोब पर ही हैं और हम भी ग्लोब के ऊपर ही हैं। शमशीर पॉइंट आउट करता है लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब में, जो नीचे की तरफ है। तो बोलता है कि यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज से, तो ग्लोब के नीचे की तरफ कोई भी नहीं रहता अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो। फिर उजायरा बोलती है कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। फिर शमशीर बोलता है, क्या ये लोग उल्टे खड़े होते हैं, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ है, अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा खड़ा होना, तो क्या ये लोग उल्टे खड़े होते हैं। वी डोंट, क्या तुम्हें नहीं लगता ये लोग गिर जाते होंगे। फिर उजैरा कहती है, यस, ये अजीब तो लगता है, स्ट्रेंज लगता है, मगर एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी सी, और ये जो ब्लू पार्ट है ये सी होगा, व्हाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ, सी वाटर का पानी क्यों फॉल ऑफ नहीं होता है, क्यों नहीं गिरता है। देखिए हम लोग नहीं गिरते, समुद्र का पानी नहीं गिरता, ये है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, हम लोग ज़मीन पर बंधे हुए रहते हैं, ज़मीन से चिपके रहते हैं, ये एक रीज़न है। अब टॉकिंग विद सुनीता, सुनीता आ जाती हैं, उनके बारे में फिर बात की जा रही है। तो देखिए जब सुनीता विलियम्स इंडिया आती हैं तो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि उजायरा और शमशीर को सुनीता विलियम्स से मिलने का चांस मिलता है। सुनीता कहती हैं कि उनकी फ्रेंड कल्पना चावला इंडिया आना चाहती थी और वो सारे बच्चों से मिलना चाहती थी, और वो कल्पना के सपने को ही पूरा करने के लिए इंडिया आई हैं। सुनीता एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, स्पेस में, अंतरिक्ष हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पर रहने का जो सुनीता का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा वो हमें बताती हैं। बताती हैं ये वाले पहले पॉइंट में कि हम लोग एक प्लेस पर नहीं बैठ सकते थे, हम लोग फ्लोट करते रहते थे। फ्लोट का मतलब होता है एक तरीके से बहते रहना हम लोग, क्योंकि वहाँ पे स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटी की वजह से, जिसे हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, उसकी वजह से हम क्या होते हैं, चिपके रहते हैं ज़मीन से, ज़मीन पर खड़े हो पाते हैं। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इससे क्या होता है, स्पेस में तैरना
तैरते रहते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, और बाल भी जैसे हमारे ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ है ना, स्पेस में बाल हमारे खड़े हो जाते हैं। देखिए ऐसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, सपोज करिए ये है, ठीक है, हमारे बाल अर्थ पे ऐसे करके नीचे की तरफ रहते हैं, है ना, स्पेस में क्या होता है, ये बाल ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, जिसके भी सर पे जैसे बाल हैं सबके सब बाल ऊपर की तरफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है स्पेस में। तो बताती हैं कि स्पेस क्राफ्ट में हम लोग एक जगह नहीं रहते, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते टाइप का रहते हैं। वाटर जो है, पानी भी अपनी एक जगह पर नहीं रहता, पानी भी तैरता रहता है बॉल्स की तरह, मतलब ऐसे इकट्ठा होकर के पानी भी तैरता रहता है। अगर हमें मुंह धोना है, हाथ धोने हैं, तो हमें उन्हीं पानी के टुकड़ों टाइप को हमें कैच करना पड़ता है, एक पेपर से पेपर को वेट करना पड़ता है, वेट मतलब होता है गीला करना पड़ता है, और उससे हम लोग अपने हाथ और मुँह साफ करते हैं। और वहाँ पर हम लोग खाना भी बड़े अलग तरीके से खाते हैं, और काफ़ी मज़ा सा भी आता है, क्योंकि खाना जो है वो तैरता रहता है, हर चीज़ जैसे कि उड़ती रहती है हवा में, हम भी उड़ते रहते हैं, पानी भी उड़ता है, और खाना भी जो है उड़ता रहता है, हमें उड़ते हुए खाने को ही किसी तरीके से पकड़ करके खाना पड़ता है। और स्पेस में कंघे करने की भी ज़रूरत नहीं होती बालों को, क्योंकि बाल जो हैं वो स्टैंड हुए रहते हैं, खड़े रहते हैं पूरे टाइम, और हम लोग स्पेस में चल नहीं पाते हैं, हम लोग इधर उधर तैरते रहते हैं, है ना, फ्लोट होते रहते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, मतलब सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो हैं वो हमने स्पेस में काफ़ी अलग तरीके से की। हम लोग एक प्लेस पर खड़े नहीं हो सकते, और अगर हमें एक जगह रुकना है तो अपने को स्ट्रैप करना पड़ता है, अपने को किसी चीज़ से बांधना पड़ता है, तब जाके हम एक जगह रुक पाते हैं। पेपर्स को भी हम लोगों को स्पेसशिप की जो वॉल होती है उस पर स्टक, मतलब चिपका कर रखना पड़ता है, काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पर, और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है ये सब कुछ करना। फिर टेक ऑफ, मतलब हम लोग स्पेस में ऊपर की तरफ गए 9/12/2006, सुनीता विलियम्स बताती हैं, टेक ऑफ इस तरीके से टेक ऑफ होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ स्पेस क्राफ्ट जाता है। फिर ये लिखा हुआ है, आर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे फीट जो हैं पैर वो फ्लोर तक नहीं रह पाते, ऊपर हम लोग उड़ते रहते हैं। फिर है, वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग, देखिए खाना कैसे उड़ते हुए जा रहा है ना। फिर उसके बाद काम करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाल देखे कैसे खड़े हो रखे हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। सुनीता आउटसाइड द स्पेस रियली इन स्पेस, अब स्पेस शिप जो है उससे बाहर निकल के अब सुनीता जो है बाहर की तरफ है, ये देखिए यहाँ पर। अब क्लासरूम्स, अब ये हमें एक्टिविटी से बताई गई, अपनी आँख क्लोज करिए, और यही कि आप टेक ऑफ कर रहे हैं स्पेस में, ये सारा इमेजिन। फिर अभी वाला देखते हैं हम लोग, इजेंट इट अमेजिंग, हमारी अर्थ व्हेन वी थ्रू अप समथिंग, अर्थ पर जब हम होते हैं, थ्रू अप मतलब हम ऊपर की तरफ जब कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है, और हम लोग जब कोई बॉल हवा में फेंकते हैं तो भी वो नीचे फेल बैक होकर के वापस गिर जाती है, और हम उसको कैच कर पाते हैं। अर्थ पर हम लोगों को कोई भी चीज़ फ्लोट नहीं करती हुई दिखती, पानी पर ही फ्लोट करती है। जब हम बकेट में और ग्लास में, बकेट होती है बाल्टी, बाल्टी में ग्लास में पानी भरते हैं, वो वहीं पर रहता है, वो इधर उधर ब्लॉब्स की तरह, मतलब इकट्ठा होकर इधर उधर घूमने नहीं लगता, जैसे कि सुनीता ने हमें बताया था। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं जो अर्थ खुद को अपनी तरफ पुल करके रखती है, मैंने आपको बता दिया, ये ग्रेविटी की वजह से होता है। सुनीता वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, तो सुनीता कितना दूर गई थी अर्थ से, अर्थ से ऊपर 360 किलोमीटर स्पेसशिप में बैठ करके। दिस थिंक हाउ फार दिस वुड बी, मतलब कितना दूर होगा ये। फाइंड आउट टाउन और सिटी विच इज़ लोकेटेड एट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर यू लिव, दिस इज़ हाउ फार सुनीता वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। तो 360 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं अगर हम अर्थ की बात करें, मगर स्पेस में बहुत दूर हो जाता है ना। फिर यही सब है इसमें। फिर इसमें एक्टिविटी वगैरह है, आप यहाँ पे ये देखते हैं, वेयर आर द लाइन्स रियली, तो सुनीता डिस्क्राइब करती है अपना व्यू जो अर्थ को उसने देखा स्पेसशिप से, तो बताती है कि अर्थ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुंदर लगता है जब हम उसे स्पेस में से देखते हैं। हम उसे, मतलब इतना सुंदर लगता है कि हम उसे काफ़ी घंटों तक देखा करते थे स्पेसशिप की जो है विंडो से, और क्लियरली हम लोग जो कर्व शेप है, मतलब कर्व शेप मतलब इस तरीके से है ना अर्थ की कर्व शेप, हम देख सकते हैं कि अर्थ इस शेप में जो है वो मौजूद है, हमें साफ साफ ये चीज़ समझ में आती है ना। अभी हमें फोटोग्राफ दिया गया है जो स्पेसशिप से खींचा गया है अर्थ का, कि अर्थ स्पेसशिप से जो है कैसी दिखाई पड़ती है, इस तरीके की पूरी अर्थ जो है स्पेसशिप से दिखाई पड़ती है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टूडे वी नो दैट द अर्थ लुक लाइक दिस, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल कुड ओनली इमेजिन द अर्थ लुक लाइक, साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज़ द अर्थ, मतलब पहले लोग इमेजिन नहीं कर पाते थे कि अर्थ एक्चुअल में दिखती कैसी होगी, मगर अब हम लोगों ने सच में जो है स्पेस से देख लिया है कि अर्थ कैसी दिखाई हमें पड़ती है।
फिर उज़ायरा बोलती है, सी देर आर लाइन्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, मतलब कंट्रीज के बीच में काफ़ी सारी लाइन है, आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन अर्थ, ग्लोब में इतनी सारी जो लाइन्स दिखाई पड़ती हैं क्या अर्थ पे भी सच में दिखाई पड़ती होंगी? तो शमशीर बोलता है कि देयर मस्ट भी ज़रूर होंगी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन द बुक, सी देर आर लाइन्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स टू, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी लाइन होती है, पर देखिए अर्थ पे सच में ऐसी लाइन्स नहीं बनी हुई है, हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक कंट्री को दूसरी कंट्री से डिवाइड करने के लिए कि भाई आपका एरिया यहाँ तक है, तो हम लोगों ने ग्लोब पे साइड की सारी लाइन्स बना दी, अर्थ पे ऐसी कोई भी लाइन्स हमें दिखाई नहीं पड़ती। उज़ायरा बोलती है, इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड बी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन ग्राउंड, तो क्या हमें ऐसी लाइनें ग्राउंड पे बनी हुई दिखेंगी? तो देखिए नहीं दिखती है ना। व्हेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटिफुल, मतलब जब सुनीता ने अर्थ को देखा था स्पेस से तो उसको बहुत ही अर्थ सुंदर लगी थी, काफ़ी सारी थॉट्स उनके माइंड में आए होंगे, तो उन थॉट्स को डिस्क्राइब किया है सुनीता ने, इतनी दूर से फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, इतनी दूर से हम लोगों को सिर्फ लैंड और सी में ही अंतर समझ में आता था, वन कैन नॉट सी डिफरेंट कंट्रीज, डिविजन इन टू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस, ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, वो बताती हैं इतनी दूरी से हमें सिर्फ अर्थ की जो ज़मीन है और पानी वही अंतर दिख पाता था, जो कंट्रीज़ हैं कंट्रीज़ के बीच में जो लाइन्स बनाई गई हैं ये सारे अंतर हमें दिखाई नहीं पड़ते थे, सारी की सारी लाइन्स जो मैप पर हैं वो हमने बनाई है और ये हमारे दिमाग में है, आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली, तो लाइन्स जो हैं ये सच में कहाँ पर हैं ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए, ये हमारी बनाई हुई है कुदरत ने, ईश्वर या किसी को भी आप कह सकते हैं, नेचर ने ये लाइन्स नहीं बनाई हैं। तो लुक एट द स्काई, तो शमशीर बोलता है, ही क्लोजेस वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून, लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन, तो मतलब वो एक आंख बंद करता है अपनी और एक सिक्का पकड़ता है और मून को कहता है कि देखो ये मून के पीछे मैं इस कॉइन से मून को छुपा सकता हूँ। उज़ायरा बोलती है, वाओ अमेजिंग हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन, फिर कहते कि बड़ा बढ़िया आइडिया है कि छोटे से कॉइन के पीछे एक इतने बड़े मून को छुपा देना, मतलब ऐसे कई बार हम लोग गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं ना, वही इस टेबल में हमें बताया गया है। फिर ट्विंकलिंग स्टार वाली जो पोयम है, इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ की, भैया स्पेस अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, जब मून को गया स्पेसशिप तो ये फोटोग्राफ अर्थ की क्लिक की गई थी मून के सरफेस से कि अर्थ मून से कैसी दिखाई पड़ती है, तो देखिए अर्थ मून से ऐसी दिखाई पड़ती है, सी हाउ अर्थ इज़ लुकिंग, कैसी अर्थ दिख रही है, हम लोग सरफेस अगर मून पे होते तो किस तरीके से हम लोगों को अर्थ दिखाई पड़ती। फिर डू योर बेस्ट एंड थिंक एंड थिंग्स विल वर्क आउट, तो अपना अच्छे से काम करो और बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आसानी से हो जाएंगी। तो सुनीता कहती हैं जब वो 5 साल की थी उन्होंने पिक्चर देखी थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कि वो मून पे लैंड कर रहे हैं, उनका जो स्पेस क्राफ्ट है मून पे जा रहा है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर, मतलब जो चले थे, पहला कदम मून पर रखा था। किसी और बच्चे की तरह सुनीता को भी बड़ी फैसिनेशन हुई थी, मतलब बहुत ही अच्छा सा लगा था ये सब देख कर। सुनीता सोचती थी कि, मतलब वो बताती हैं कि वो अच्छी थी स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, उनका पढ़ाई में उन्हें कभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था। हाई स्कूल करने के बाद वो डाइवर बनने, डाइवर होता है ना जैसे कि जो समुद्र में जाते हैं डाइव करते हैं और लोगों को ट्रैवल वगैरह भी करवाते हैं और समुद्र में अंदर देख के आते हैं, वो डाइवर बनना चाहती थी मगर वो नहीं बन पाई। फिर वो क्या हुआ, हेलीकॉप्टर पायलट के कोर्स में उन्होंने एडमिशन ले लिया। एक दिन उन्होंने पाया कि वो पढ़ रही थी, मतलब उन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई की और वो जो है हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। उनको पता लगा कि इसकी हेल्प से वो स्पेस मिशन भी ज्वाइन कर सकती हैं और उन्होंने यही किया। 2007 में सुनीता विलियम ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, सबसे ज़्यादा कोई वुमेन जो स्पेस में रही हैं सबसे लंबे दूरी समय तक, उसका रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया 2007 में। सुनीता अपना ही एग्जांपल देती हैं ये कहने के लिए, अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं और आपको कोई और चीज़ मिल गई तो आप गिव अप ना करें, आप हिम्मत ना हारें, अपनी मेहनत करते रहें और चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। सुनीता विलियम वॉज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड दैट वट वुड शी लाइक टू डू इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में वो क्या करना चाहेंगी, सुनीता विलियम से एक बच्चे ने पूछा, तो सुनीता विलियम ने आंसर किया कि वो स्कूल की टीचर बनना चाहेंगी और वो समझाना चाहेंगी बच्चों को कि साइंस और मैथ्स जो है वो हमारी ज़िंदगी से कितनी ज़्यादा जो है वो रिलेटेड है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया है कम्प्लीट, इसकी क्वेश्चन आंसर्स जल्दी अपलोड कर दूँगी मैं। थैंक यू।